फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ बिरयानी, जो मैं अपने मसालों से बनाऊंगी। अभी ये देखिए, मैंने चावल 1 kg भिगो दिए। उसके लिए पानी बॉईल करनी है, इसको बॉईल करना है और इसकी बॉईलिंग में ये इंग्रेडिएंट डालने हैं: कड़ी पत्ता, नींबू, नमक 1 अदद, नींबू 2 कड़ी पत्ते, 1 टेबलस्पून जीरा साबुत, 1 टेबलस्पून नमक, 4-5 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, ये 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और ये स्टार अनीस भी कहते हैं इसको, और बादियान खटाई भी, ये डालनी है और इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये जब पकने लगेगा तो इसमें चावल ऐड करके बॉईल करूँगी। अब मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। ये जो बिरयानी के अंदर जाने हैं ये वो मसाले हैं। इसमें ज़ीरा है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया है साबुत, काली मिर्ची हैं थोड़ी सी, बड़ी इलायची हैं 2 अदद, ये कड़ी पत्ते हैं और ये बीच में जायफल है। इनको मैंने तवे पे, इधर चूल्हे पे कर लिया है थोड़ा सा रोस्ट। अब इसको मैं पीसूंगी और इसमें जो पीसे हुए मसाले जाने हैं वो ये हैं: ये धनिया पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये दादर लाल मिर्च है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये काली मिर्च है, ये चाट मसाला है और ये छोटी इलायची का पाउडर है। ये मसाले साबत वाले पीस के इसमें ऐड कर देंगे, ये बिरयानी में जाएंगे। और इसके साथ जो ये इमली डलेगी और हरी मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून, 2 बड़े टमाटर हैं और ये लेमन स्लाइस जो हैं वो डलेंगे कुछ बिरयानी में। और ये प्याज है, 3 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 प्याली दही है। अब हम इनको इनको क्या बताती हूँ, ये देखें, ये चावल बॉईल कर रही हूँ मैं, ये इसमें डाल दिए मैंने। ये जब अब थोड़े से गल जाएंगे, थोड़ी सी एक करी जो होती है वो रह जाएगी, तो फिर इसको ड्रेन कर लूँगी। ये 2 टेबलस्पून डाला है मैंने इसमें कुकिंग ऑयल, और ये इधर मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, ये देखें, इनको 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में कर रही हूँ। और ये 1 किलो, एक से 1.5 किलो चिकन है, ठीक है। अब इस चिकन को मैं मैरिनेट करूंगी, ये देखिएगा, ये दही जो है इसके अंदर ऐड किया। अब उसमें ये जो सारे मसाले मैंने अभी ग्राइंड कर किए थे और दूसरे साबुत वो पीस लिए थे, वो सब इसमें लगा रही हूँ। इससे ये होगा कि चिकन में फ्लेवर आ जाएगा। इसको 15-20 मिनट पड़ा रहने देंगे। इस तरह चिकन जो होता है बिरयानी का अच्छा मज़े का हो जाता है। इसको मैरिनेट करती है। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर लिया। फ्रेंड्स, एक टेबल स्पून नमक मैंने ऐड किया था चावलों में जब बॉईल किया था, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसको रख देंगे एक साइड पे। अब हम इसका थोड़ा सा इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टेबल स्पून और कुकिंग ऑयल में डाल दिए। अब इसमें ये चिकन ऐड कर लेंगे। अब इसमें इमली, टमाटर, हरी मिर्चें ये ऐड कर देंगे। तो 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, बंद कर देंगे। ये देखिए, ये इसको 15 मिनट हो गए पकते हुए, ये हमारा चिकन गल चुका है और इसका मसाला तैयार हो गया। इस स्टेज पे इसमें ऐड करना है
ये जो हमने ब्राउन प्याज किया था उसको आधे को इसमें ऐड कर देंगे, आधे को गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। ये गार्निशिंग में यूज़ होगा, आधे से ज़्यादा बीच में ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा पुदीना इसमें ऐड करेंगे, बताया ये गार्निशिंग में यूज़ होगा। और ये जो लेमन स्लाइसेस थे वो भी इसमें ऐड कर, अभी थोड़ा सा इसको भून लूँ 2 मिनट। ये देखिए अब इसकी बनाई हो चुकी है, इसमें तरी आ गई है, इसका मसाला बन चुका है। अब इसको नीचे उतार देंगे। ये जो जिस ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन किया था वही 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें, वही 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें यूज़ होगा जो जिसमें प्याज ब्राउन किया है। और इसमें 2 लौंग फेंक लिए हैं। ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसकी लेयर्स लगाएंगे। या अब ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें लेयर्स लगेंगे। सबसे पहले चावल लेंगे, ये देखें, इसके ऊपर ये थोड़ा सा पुदीना और ये थोड़ा सा प्याज ब्राउन, और एक चुटकी इलायची पाउडर डाल। अब इसके ऊपर ये चिकन ऐड किया, थोड़ा सा बचा लिया, एक लेयर और लगाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा पुदीना डाला, थोड़ा सा प्याज ऐड किया, इलायची पाउडर थोड़ा सा सब स्प्रिंकल कर दिया। अब ये जो थोड़ा सा चिकन रखा था बाद में, तो बड़ी लेयर में इस तरह बारीक बारीक 2 लेयर बनाई है, वरना तो एक लेयर भी बन सकती थी। 2 लेयर का ये मकसद है कि हर जगह मसाला पहुँचे। सबसे ऊपर इसके ऊपर ये डालेंगे पुदीने के पत्ते, प्याज ब्राउन, ये फ्रेंड्स जर्दा रंग है। अगर आपको कलरफुल पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल में है। मुझे मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए मैं ये डाल दूँ। ये डाल दिया, अब ये थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया वो इसके ऊपर डाला, इलायची का पाउडर। अब इसको दम देंगे, इसको 10 मिनट तक दम पे रखना है हमने, फिर ये तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब इसको दम आ गया, मैं आपके सामने खोल रही हूँ। ये देखिए ये बिरयानी को दम आ गया, तो मैं इसको हिलाऊंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, बड़ी अच्छी लग रहा है कि बहुत अच्छी बनी है। अभी आपको मैं सर्व करके भी दिखाती हूँ, पहले इसका दम।